हेलो दोस्तों, फीसों में जितनी इंपोर्टेंट सेटिंग होती है वो हम सबसे मैं आपको इन डिटेल आपको बताने वाला हूँ। जितनी फीसों में इंपोर्टेंट सेटिंग होती है सबसे मैं आपको क्लियर आपको बताने वाला हूँ, सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैंने अपनी फीसों में जितनी सेटिंग होती है इंपोर्टेंट करके रखी है, इस वजह से मेरी फीसों की वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई है और आपका फीसों पे सर्चिंग में पहले नंबर पर आएगा। चाहे आपका फीसों पे कोई गूगल पर सर्च करे, चाहे फेसबुक पे पे पर सर्च करे, तो सर्च रिजल्ट में वो पहले नंबर पर आएगा। तो अभी हम चलते हैं फेसबुक की और सेटिंग जानने के लिए। अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जैसे दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मोबाइल की स्क्रीन पर आपको आने बाद जब आपको अपना फेसबुक पे कर लेना ओपन। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक पे कर लिया ओपन। अब ओपन करने वाले जब आपको थ्री डॉट पे करना है क्लिक। अब थ्री डॉट पे क्लिक करने वाले जब आपको ऑप्शन दिख रहा हो ऊपर एडिट का, एडिट पे हम कर लेते हैं क्लिक। अब एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल की पिक्चर लगा लेनी है और अपने जो कवर फोटो होता है वो भी आपको यहाँ पे लगा लेना। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है हमारी यहाँ पे बायो की। यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में करता हूँ क्लिक। यहाँ पे आपको बायो में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम ए यूट्यूबर एंड फ्रीलांसर, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, क्लिक नाउ। यहाँ पे मैंने अपने जो भी मतलब कोई लिंक दे रखा है अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने बायो में लिखना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको अपने बायो में वो लिखना है जिससे रिलेटिव आप अपनी फेसबुक पेज पर अपनी वीडियो डालते हो, उस रिलेटिव आपको यहाँ पे बायो में लिख लेना। जैसे मैं डालता हूँ जैसे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटिव डालता हूँ, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू से रिलेटिव डालता हूँ और यूट्यूब से रिलेटिव यहाँ पर डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूट्यूब टिप्स एंड ऑनलाइन अर्निंग एंड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू और अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, फॉलोवर कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर मैं लिख दूँगा। तो ये आपको एसईओ में बहुत ज़्यादा काम देती है फेसबुक के एसईओ में। तो यहाँ पर आपको अपना बायो एकदम अच्छे तरीके से अपनी फेसबुक कैटेगरी आप वीडियो डालते हैं उससे रिलेटिव आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे आप यहाँ पे फनी वीडियो डालते हैं तो आपको यहाँ पर आप लोग लिखना फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो। तो अब यहाँ से कर लेते हैं बैक, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डिटेल्स का। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर हम एडिट वाला ऑप्शन पर कर लेते हैं क्लिक। अब क्लिक करने वाई फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सबसे पहले का कैटेगरी का। जब तक आप अपनी फेसबुक पेज की कैटेगरी सेट नहीं करोगे तब तक आपकी कोई वीडियो ना वायरल होने वाली है। अगर कोई गलती से हो भी आती है तो आपकी फिर बाद में वीडियो कोई वायरल होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये काम करना अपनी फेसबुक की जो कैटेगरी है उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। इसको मैं एडिट वाले ऑप्शन पर करता हूँ क्लिक। टेक्नोलॉजी एंड साइंस रिलेटिव है मेरी कैटेगरी, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मेरी कैटेगरी आ चुकी है, मैं सर्च कर लेता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कर लेता हूँ सेलेक्ट। तो यहाँ पर मैंने अपनी कैटेगरी भी सेलेक्ट कर ली है। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट इन्फो का। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भर लेना, जिस जगह भी आप रहते हैं ना उस जगह आप यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर भर दें। जैसे मैं रहता हूँ आगरा में रहता हूँ, यमुना ब्रिज के पास रहता हूँ और उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। और आप अपनी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो भरनी नहीं, ये खाली उनके लिए होता है जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनके लिए यहाँ पर होता है। तो इसको हम कर देंगे सेव पर कर देंगे क्लिक। तो ये हो जाएगी हमारी सेव। फिर आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है लिंक का। यहाँ पर हम लिंक पर एडिट वाले ऑप्शन में करते हैं क्लिक। अब क्लिक करने यहाँ पर आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक कर देने ऐड। जैसे कि यहाँ पर ऐड लिंक पर करता हूँ क्लिक। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने मतलब इंस्टाग्राम का भी लिंक दे सकता हूँ, ट्विटर आईडी का दे सकता हूँ, थ्रेड्स आईडी का दे सकता हूँ और जैसे यूट्यूब चैनल का यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है उसको यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आप मतलब अपने जो सोशल मीडिया के जो लिंक होते हैं यहाँ पर आपको ऐड कर देना और इनको कर देना आपको पब्लिश। जैसे आपको कर देना इनको पब्लिश कर देना। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है और अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक दे रखा है और जो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं, बस खाली आपको उनको पब्लिश करके रखना है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं बैक। अब बैक करने पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाता है एडिट एक्शन बटन। अगर आपने फेसबुक पर अपने बटन नहीं लगाया तो आपको लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ हमारी होती है। तो हम इस पर कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आप एडिट बटन पर करना है क्लिक। यहाँ पर आपको कोई व्हाट्सअप पर नहीं करना है, ये मैंने गलत कर रखा है। यहाँ पर आपको करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको करना है वॉच नाउ पर आपको कर लेना सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पर लिंक दे देना है। यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक कर देता हूँ पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद इसको कर दूँगा मैं सेव। तो ऐसा आपको यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करके अपने वॉच नाउ पर कर देना क्लिक और अपना लिंक कर देना ऐड। तो फिर इसको हम कर देते हैं सेव। तो यहाँ पर हमारा बटन भी ऐड हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं बैक। तो यहाँ पर हमारी आधी सेटिंग तो हो चुकी है, अब हमारी आधी सेटिंग रह गई है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग हमारी यहाँ पे रह चुकी है, उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं बैक। अब बैक करने वाले यहाँ पर आपको मेन्यू में आ जाना है। मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा हो सर्च के बगल में,
इसको आपको करना है क्लिक। अब क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर पेज सेटिंग पे कर लेना है क्लिक। पेज सेटिंग में क्लिक करने में यहाँ पर आपको जाना है प्राइवेसी के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको प्राइवेसी के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइवेसी इन शॉर्ट, यहाँ पे दे सकते हैं आपको जाना है योर एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पर आपको दिख रहा है योर एक्टिविटी के आपको अंदर चले जाना है। यहाँ पे आप दे सकते हैं पहला वाला हमारा हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, इस पर आपको करना है क्लिक और इसको आपको कर देना। तो यहाँ पर आपको कर लेना पब्लिश, आपको पब्लिश यहाँ पर मेरा ऑलरेडी पब्लिश है, इसलिए मैं इसको पब्लिश नहीं कर सकता हूँ। अब करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता हु कैन सी द पीपल पेज एंड लिस्ट योर फॉलो, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको भी आपको यहाँ पर पब्लिश कर लेना है। फिर इसको यहाँ से आप बैक कर लेते हैं, फिर आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है हु कैन सी योर स्टोरीज, इसको यहाँ पर आपको कमेंट हो, यहाँ पर आपका कमेंट ऑफ होगा, इसको कर लेना, आपको ऑन कर लेना। मतलब आपकी स्टोरी पर आपकी ऑडियंस जो है वो कमेंट कर सकती है, कमेंट करे तो आपको मतलब जो कमेंट दिखाई भी देंगे और भी ऑडियंस आपकी वीडियो पर कमेंट भी कर सकती है। फिर आपको यहाँ से करना है बैक। फिर बैक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हाउ पीपल फाइंड एड कॉन्टेक्ट यू, इसको हम पहले ऑप्शन में करते हैं क्लिक। अब क्लिक करने है, इसको भी आपको एलॉय करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एलॉय सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर पेज, जैसे ये मेरा फेसबुक पेज है, अगर कोई इसको गूगल पे भी सर्च करेगा ना तो वो सर्च रिजल्ट में पहले नंबर पे आ जाएगा, इसलिए हम ऑन करके इसको रखते हैं, इसलिए मैंने इसको ऑन करके रखा है और आपको भी इसको ऑन करके रखना है। इसको हम कर लेते हैं ऐसे बैक। फिर हम चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकमेंडेड सिमिलर पेज, मतलब कि आपका जो पेज है ना वो मतलब और लोगों को रिकमेंडेड करे, इसको भी हम कर लेते हैं ऑन। ऑन करने के बाद इसको हटा लेते हैं, तो ऐसा आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। फिर आपको नीचे आपको ऑप्शन दिखा है मैसेजिंग, इस पर हम करते हैं क्लिक। अब क्लिक करने है, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने है, इसको हम बैक कर लेते हैं, यहाँ से बैक कर लेते हैं और फिर हमको जाना है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको है ना पब्लिक पोस्ट में आपको करना है क्लिक। अब पब्लिक पोस्ट में क्लिक करने वाले जितनी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखते हैं ना इन सबों को कर लेना, मतलब पब्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन आपको दिखता है ना इसको आपको पब्लिक कर लेना है, दूसरे को पब्लिक कर लेना है, इसको भी आपको एवरीवन पे कर लेना। मतलब आप देख रहे हैं पब्लिश पोस्ट नोटिफिकेशन, मतलब आपको जो पोस्ट नोटिफिकेशन है वो पब्लिक तक जाए कि नहीं जाए, तो इसको आपको करना है एवरीवन पे आपको कर लेना है क्लिक। फिर यहाँ पर आपको मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है पेज की इन्फॉर्मेशन वो आपको पब्लिक को दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते पब्लिक भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, आपकी मर्जी। इसको आपको पब्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको मतलब कि यहाँ पे देते हैं और जिसको भी आपको ऑन कर लेना है, जितने भी मतलब ऑप्शन दिखते हैं आपको उनको ऑन कर लेना है और जो आपको नीचे ऑप्शन दिए जो ऑन ऑफ है ना उनको ऑन ऑफ ही रहने देना है आपको। यहाँ पर जो नीचे के ऑप्शन इनसे आपको कोई छिड़कानी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कर लेते हैं बैक। फिर आपको यहाँ ना रील्स वाले ऑप्शन पर लेना क्लिक और रील्स वाले ऑप्शन पर आने बाद इसको आपको कर लेना ऑन, आपको यहाँ पर ऑफ होगा इसको लेना आपको ऑन कर लेना। यहाँ पे दे सकते हैं जैसे मैं बैक कर लेता हूँ। अब आपको जाना पेज एक्सेस, जैसे कि आपका ये फेसबुक पेज है, अभी तो आप इस फेसबुक पेज के एडमिन है ना, खुदा ना खास्ता और आपको कोई पेज मतलब हैक कर लेता है तो आपका एक्सेस चला जाएगा। यहाँ पर आपको एडमिन पे क्लिक करें, जैसे कि आपको आपको एडमिन बना देना, अपनी मम्मी या मम्मी पापा को एडमिन आप बना सकते हैं, अगर आपकी बहन भाई है तो उनको भी आप एडमिन बना सकते हैं। अगर आपका फेसबुक पेज हैक भी हो गया, अगर आपकी मम्मी पापा या बहन भाई एडमिन रहेंगे तो मास आप अपने फेसबुक पेज को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन पे करना है क्लिक। यहाँ पे मेरा रिकमेंडेबल दिखा रहा, मतलब यहाँ पे मेरी और सभी सेटिंग हो चुकी हैं और जितनी मेरी वीडियो या रील्स वगैरह आएंगी वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करी जाएंगी। यहाँ पे आपको पेज स्टेटस पे करना है क्लिक। पेज स्टेटस आपको यहाँ पे हैज़ नो इशू आ रहा है तो आपका पेज काफ़ी अच्छा है ना। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम जैसे कर लेते हैं बैक। अब बैक कहीं अगर आपको यहाँ पे रिकमेंडेबल नहीं दिखा रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे फ्लैग्ड कंटेंट दिखा रहा है या कोई इशू दिखा रहा है, आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, इससे मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया है। फिर हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट सेटिंग हमारी रह गई है, इसको हमको है ना स्टोरी सेटिंग पर आपको करना है क्लिक। अब क्लिक करने में यहाँ पर आपको है ना स्टोरी प्राइवेसी पर करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको कमेंट का ऑप्शन मैंने बताया था वो आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है, इसको हम कर लेते हैं बैक। फिर आपको यहाँ पर जाना शेयरिंग ऑप्शन पर करना है आपको क्लिक, इसको भी आपको मतलब एलॉय करना है, एलॉय कर लेना आप, मतलब आपकी जो स्टोरी होती है ना वो मतलब पब्लिक शेयर कर सकती है नहीं कर सकती, तो इसको आपको यहाँ पर एलॉय करके रख देना है। यहाँ से कर लेना आपको बैक। फिर आपको है ना मैसेजिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना, इसको भी आपको ऑन कर लेना है, इसको हम कर लेते हैं बैक। फिर आपको है ना स्टोरी अचीव, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
सेटिंग इसको हम कर लेते हैं क्लिक। तो यहाँ पर देखा इसको मैंने ऑन करके नहीं रखा, इसको आपको ऑन करके रखना है। तो हम कर लेते हैं बैक। अब बैक करने पर आपको यहाँ पे देखते हैं स्टोरी यू म्यूट, तो इसको आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ऐसे कर लेते हैं बैक। तो यहाँ पे जितनी फेसबुक से रिलेटेड जो सेटिंग थी तो वो तो मैंने आपको यहाँ पे सबसे एकदम क्लियर आपको सिंपल तरीके से आपको समझा दी और बता दी भी कौन कौन सेटिंग ऑन करनी है। अगर आपको जी वीडियो अच्छे से वीडियो कर दे लाइक, चैनल खोल लें, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। अगर आप भी फेसबुक कॉपी पेस्ट वर्क करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इन वाली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपके फेसबुक पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जैसा कि पॉलिसी इशू आ रहा है या ये एड्स ऑन इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप इन वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आप फेसबुक से ही पैसा कमा सकते हैं। तब तक के लिए बाय।